गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ अबाउट क्लास 5 सब्जेक्ट EVS SST टर्म 3 चैप्टर नंबर 3 द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। गांधी इरविन पैक्ट 1931। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन साइंड इन 1931। अकॉर्डिंग टू दिस गांधी जी वुड कॉल of the civil disobedience movement and take part in the second round table conference, the British would release all political prisoners। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी इरविन पैक्ट, जो गांधी जी और इरविन के बीच में गठबंधन हुआ था उसके बारे में। ये एक एग्रीमेंट था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो साइंड हुआ था 1931 में। इसके अकॉर्डिंग गांधी जी सिविल डिसओबिडियंस के सारे मूवमेंट्स को वापस ले लेंगे, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल मींस दोबारा मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग हुई थी ब्रिटिश के साथ गांधी जी की, और इसके बदले में ब्रिटिश क्या करेगी, सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, कैदी बनाए थे उन्होंने, उनको छोड़ देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट परमिटेड मोर पार्टिसिपेंट of Indians in the administration, it was prepared by the Britishers. Because of this act, elections were held in 1937 for the state assemblies. The Congress participated in the election and formed government in 7 states. Government of India Act 1935, ये British ने बनाया था। इसमें क्या था, इस एक्ट में और ज़्यादा इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू इलेक्शंस हुए 1937 में, ठीक है, स्टेट असेंबली में, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और अपनी 7 स्टेट्स में गवर्नमेंट बनाई। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कांग्रेस। In 1939, the Second World War began. The British government asked the Congress to cooperate with the government. The British government sent Sir Saffron Cripps to India for this, but this mission failed and the Congress decided not to cooperate with the government. 1939 में जब Second World War हुआ, तब government ने, British government ने वापस से इंडिया से, मतलब कांग्रेस से हेल्प मांगी कि वो कॉपरेट करें गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने अपना एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्सन भी भेजा इंडिया में, सर सैफ्रॉन क्रिप्स, बट उनका ये मिशन फेल हो गया क्योंकि कांग्रेस ने डिसाइड किया कि इस बार वो कॉपरेट गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगी वर्ल्ड वॉर में। द क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद स्टार्ट हुआ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। The Indian National Congress decided to start the third mass movement, Quit India Movement, on August 8, 1942. Gandhi ji gave the slogan of Do or Die. This movement continued till India got its independence in 1947. उसके बाद Quit India Movement start हुआ 1942 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया ये थर्ड मास मूवमेंट, बहुत बड़े लेवल पर जो मूवमेंट स्टार्ट किया, इसका नाम दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 में। इसमें गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट चलता रहा जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली 1947 तक। सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। अब हम सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक मेन लीडर थे इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के। ही वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट बाय द ब्रिटिश बट एस्केप टू काबुल, फ्रॉम वेयर ही रीच इटली, जर्मनी एंड देन टू जापान। He organized the Indian National Army. इनको होम अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये स्केप हो गए, फ्री हो गए और वहाँ से काबुल गए, उसके बाद इटली पहुँचे, फिर जर्मनी गए और फिर जापान गए, और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई।
INA इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश ही कॉन्ट थ्री स्लोगन्स। INA और आज़ाद हिंद फौज इन्होंने ही बनाई थी कि जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, और इन्होंने थ्री स्लोगन्स हमें दिए, दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, जय हिंद। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद। ना 15 अगस्त 1947। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फ्री इंडिया। दे हैव बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ रिफ्ट बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, बट वो सक्सेसफुल रही इन मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में दरार डालने में। देयरफॉर अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहब्बत मोहम्मद अली जहन, द मुस्लिम डिमांडेड अ सेपरेट नेशन। मोहम्मद अली जिन्हा वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू पाकिस्तान एंड इंडिया। गांधी जी वॉज अ हार्ट ब्रोकन एज अ नंबर ऑफ इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो गए, और जो मुस्लिम के लीडर थे मोहम्मद अली जिहान, उन्होंने पाकिस्तान का फाउंडेशन किया, फाउंड किया, फाउंडर थे वो पाकिस्तान के। इंडिया और पाकिस्तान अब टू कंट्रीज बन चुकी थी। गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए, हार्ट ब्रोकन हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ एंड पोसेशंस, बहुत सारे लोगों के घर और जाने चली गई। हिज ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया कुड नॉट बी फुलफिल। उनका जो ड्रीम था एक साथ इंडिया को देखने का, वो कभी पूरा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, इंडिया वॉज टू बी डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जो लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान था इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करने का, वो सक्सेसफुल रहा। अमेजिंग फैक्ट, इट इज सेड दैट अबाउट 14.5 मिलियन पीपल क्रॉस द बॉर्डर्स आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये कहा जाता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब 14.5 मिलियन पीपल्स ने बॉर्डर को क्रॉस किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। इंडियन ड्राफ्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इट टुक नियरली 3 ईयर्स इन मेकिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। थस इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। अब हमारे इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए 3 ईयर्स लिखे। जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन गई। और कब बनी? 26 जनवरी 1950 को बनी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे फ्री इंडिया के। नाउ क्विक स्क्रॉल ऑफ दिस चैप्टर, समराइज ऑफ दिस चैप्टर। गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन थ्री मास मूवमेंट। गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था एक्टिवली थ्री मास मूवमेंट में, बड़े मूवमेंट्स में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट इन 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सा था? जिसमें गांधी जी ने अपील की थी कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करेगा, वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो हुआ था 1920 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930, जिसमें जो लॉज थे उनको तोड़ा गया था। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा था 1930 में, ठीक है। सिविल और डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था गांधी जी ने एक्टिवली। क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट अभी जो हमने पढ़ा है, 1942 में भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइमन कमीशन 1928 वॉज बायकॉटेड। जब साइमन कमीशन आया 1928 में, तो उसका बायकॉट हुआ, ठीक है।
क्या किया था लोगों ने? ब्लैक फ्लैग्स दिखाकर नारे लगाए थे, साइमन गो बैक। द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो लाहौर का सेशन था कांग्रेस का 1929 में एनुअल सेशन, उसमें क्या मांग की गई थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950 विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंडिया रिपब्लिक बना 1950 में, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नाउ बेटा, टुडेज होमवर्क असाइनमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रॉवर्ट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1914, 1915, 1919, 1929। नंबर टू, द चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1922, 1932, 1940, 1942। नंबर थ्री, द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज मेड एट द सेशन ऑफ द कांग्रेस। कौन से सेशन में की गई थी? नागपुर सेशन में, लाहौर सेशन में, कोलकाता सेशन में या अमृतसर सेशन में? नंबर फोर, जय हिंद दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। जय हिंद स्लोगन हमें कौन से लीडर ने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। नंबर फाइव, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक कंट्री ऑन, इंडिया कब रिपब्लिक कंट्री बनी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1958, 8 अगस्त 1942, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, डैश वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। नंबर टू, जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन डैश। नंबर थ्री, द डैश ब्रदर्स स्टार्ट द खलीफत मूवमेंट। नंबर फोर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक वॉज डैश। फर्स्ट इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? रिपब्लिक इंडिया के। नंबर फाइव, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश। इंडियन नेशनल आर्मी किसने ऑर्गेनाइज की थी? क्वेश्चन नंबर सी, राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जलियांवाला बाग मैसूर स्कोर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 99। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तुर्की वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तुर्की ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीती थी। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड आफ्टर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो गांधी इरविन गठबंधन हुआ था वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद हुआ था। द रॉवर्ट एक्ट इम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट द जेल, टू अरेस्ट एंड जेल एनी वन विदाउट ट्रायल। रॉवर्ट एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है उसको पावर मिल गई थी कि वो किसी को कभी भी अरेस्ट कर सकते थे और जेल डाल सकते थे बिना किसी जांच के। द डू और डाई स्लोगन वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो डू और डाई स्लोगन था वो स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज, मैच द आइटम्स इन द कॉलम ए विद द कॉलम बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड कॉलम ए। द रॉवर्ट एक्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूर्ण स्वराज्य, क्विट इंडिया मूवमेंट, खलीफत मूवमेंट। कॉलम बी, अली ब्रदर्स, डू और डाई, 1939,
लाहौर सेशन 1919। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, यू हैव टू डू दिस इन नोटबुक, यू हैव टू राइट द आंसर इन नोटबुक। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इंडियन लीडर इज नोन एज नेताजी, कौन से इंडियन लीडर थे जिन्हें नेताजी कहा जाता था। विच स्लोगन डिड ही कॉइन, कौन से स्लोगन्स उन्होंने दिए। नाउ आंसर्स, होमवर्क सॉल्यूशंस ऑफ लेक्चर नंबर वन। लेक्चर नंबर वन का होमवर्क सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। आई हैव गिवन यू थ्री सॉरी फोर क्वेश्चन आंसर्स। वट वॉज द रॉलेट एक्ट, वेन वॉज इट पास्ट। नंबर टू, नेम द अली ब्रदर्स, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय देम, वाई। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द थ्री मेन मूवमेंट्स लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, एक्सप्लेन एनी ऑफ देम ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर फोर, वट इज द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ 1929। बेटा ये डिसीजन वर्ड आपकी बुक में नहीं लिखा, प्लीज मार्क इट। आंसर वन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रोलेट एक्ट इन मार्च 1919, विच गेव द गवर्नमेंट पावर टू सेंड एनी वन इन द जेल विदाउट ट्रायल। आंसर नंबर टू, द अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली स्टार्ट द खलीफत मूवमेंट। आंसर नंबर थ्री, गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन थ्री मास मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। वी हैव टू एक्सप्लेन वन मूवमेंट, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930, दैट इज डांडी मार्च। गांधी जी स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विद द फेमस डांडी मार्च ऑन मार्च 12, 1930, फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू डांडी विद 78 फॉलोवर्स। ही रीच डांडी, अ स्मॉल विलेज ऑन सी सॉ ऑफ गुजरात, ऑन अप्रैल 6, वेयर दे मेक द सॉल्ट, है ना। नाउ आंसर नंबर फोर, टू इम्पॉर्टेंट डिसीजन्स वर टेकन एट द लाहौर सेशन। नंबर वन, 26 जनवरी वॉज टू बी सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। नंबर टू, द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट वॉज टू बी लॉन्च इन 1930। ओके बेटा, प्लीज मैच योर क्वेश्चन आंसर्स एंड डू होमवर्क। ओके, यू कैन डू बुक एक्सरसाइज इन बुक ओनली एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन नोटबुक। क्वेश्चन आंसर नंबर फाइव, एंड प्लीज बी रेडी फॉर योर लाइव क्लास। वी विल मीट इन लाइव क्लास। ओके, बाय, हैव अ नाइस, बी सेफ, बी हैप्पी, हैव फन।